नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व राज्य मंत्री श्री जालम सिंह जी पटेल विधायक नरसिंहपुर निर्वाचित तो होने के पश्चात प्रथम गृह नगर आगमन पर भव्य स्वागत का कार्यक्रम स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया, जिसमें जगह जगह स्वागत किया गया। सराफा बाजार में व्यापारी संघ द्वारा स्वागत किया गया। वहीं श्री देव ठाकुर बाबा मंदिर में दर्शन उपरांत एसआर जी ऑफिस में जिले के एकमात्र लाडले विधायक नरसिंहपुर विधायक जी को लड्डुओं से तोलकर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं अपने उद्बोधन उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार अल्पमत के कारण सरकार नहीं बना पाई, वहीं देश की जनता ने भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं दिया है। वहीं राफेल मामले पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दी गई। और ऐसा मानता हूँ कि इसके बाद लोकसभा के भी चुनाव हैं, जिस प्रकार से कल देश के मुख्यमंत्री के रूप में सम्मानीय कमलनाथ जी ने शपथ ली है। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने 1984 के दंगे में उनका नाम है, क्योंकि उनके साइड की बनी उसमें एफआईआर की है, मगर कांग्रेस जो विकास से भ्रम फैला के जनता में भ्रम रूप में ये प्रत्येक जो हमारा किसान उसका 2 लाख का कर्जा माफ, प्रत्येक किसान जो उन्होंने कल घोषणा की कि 1918 के पहले के जितने जिनके कर्ज होंगे उन्हीं के सिर्फ कर्ज माफ किए जाएंगे। ये आप सब देखिए कि 2000 लगभग उनको भी कर्ज किसके माफ होंगे, आज भी तो मार्च में 30 मार्च तक लगभग 95% किसानों ने लोग केसी बटकाते हैं, खाद बीज का पैसा लेते हैं। गोटिगांव से कपिल नायक की रिपोर्ट।